पढ़ा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षक नहीं है, आपका दिमाग फिर गया है, आपको सिर्फ नौगा पास, आपको जो नौगा फेल हो गया है उसी में आपको टैलेंट दिखता है। मंत्री जी का दिमाग खसक गया है, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का, उनको कांके जाने की जरूरत है। बिहार वो धरती है जहाँ आर्यभट्ट चाणक्य यहाँ लिए थे, चंद्रगुप्त यहाँ लिए हैं, यहाँ के शिक्षक पूरे देश में डंका पीते हैं और कहते हैं कि यहाँ अयोग्य शिक्षक है। ये बात बता देते हैं कि बिहार के शिक्षक अयोग्य नहीं है। आप अगर बिहार के जमीर को ललकार रहे हैं ना, तो चंद्रशेखर जी आपको मैं चेतावनी देता हूँ, बिहार के बच्चे, बिहार वही है जेपी आंदोलन हुआ था, आप जान लीजिए कि हम लोग अयोग्य नहीं है, हम लोग योग्य है। आप पीएचडी है, आप पीएचडी नहीं होंगे। ये हम बिहारियों के लिए पीठ में छुरे के मारने के समान है। आप सोचिए कि जिस बहाली में सिर्फ बिहार के अभ्यर्थी ही भाग लेते, उस बहाली में देश के तमाम राज्यों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। एक तो हमारे बिहार में सरकारी सेक्टर में ही रोजगार है, प्राइवेट सेक्टर यहाँ है नहीं, तो 1,70,000 बहाली में ये बंदर बांट करने की जो ये लोग सोच रहे हैं ना, हम लोग बंदर बांट नहीं होने देंगे। इन्होंने डोमिसाइल खत्म कर दिया और ऑल इंडिया के स्टूडेंट को इसमें शामिल कर दिया, जिसके वजह से हम लोग जो है आज बेघर हो गए हैं, मानसिक प्रताड़ित हो रही है। एक मिनट सर, क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री ने, इन्होंने बोला भारत बिहार की धरती को उन्होंने बोला अयोग्य है। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आज असम में पढ़ाता हूँ, सेंट्रल स्कूल में पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि आप बिहार में उतना सैलरी नहीं देती है। करो या मरो, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना सर, तो हम लोग सर बिहार छोड़ो आंदोलन बोलेंगे सर। और बिहार छोड़ो आंदोलन का अर्थ ये होता है सर कि बिहार छोड़ो आंदोलन का ये अर्थ होता है कि हम लोग जितने भी छात्र है, जितने भी स्टूडेंट है, सब सड़क पर उतर जाएंगे सर। गणित और इंग्लिश के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे, इसलिए डोमिसाइल नीति शिक्षक बहाली में खत्म किया गया है। अब अभ्यर्थी साफ तौर से कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का विभाग बदलें और उन्हें अब पशुपालन मंत्री बनाएं। कैमरामैन राहुल के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।